का मैं सरकू पाटिल अवलिका माल क्रीडा नगरी से मुराद कुलूप को सभी को स्वागत करता हूँ। बिरवाड़ी ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पुरस्कृत ओम साई क्रिकेट क्लब बारसगा आयोजित गांव टू गांव क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरी दिन यानी फाइनल डे का ये दूसरा मुकाबला सिंधे कोल बनाम काल भैरव अकले के बीच में खेला जा रहा है। सिंधे को ने टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए दावत दी काल भैरव अकले को। साथ ही साथ में इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट करने वाले tenniscricket.in के सभी मेंबर कैमरामैन स्कोरर मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सरकू पाटिल अवलिका मार्ग केडा नगरी पर इससे पहले जो मुकाबला हुआ था सारा ग्रुप कुजगांव बनाम यंगस्टार कुजगांव बनाम संत ज्ञानेश्वर मदलियावर के बीच मुकाबला हुआ था। निखिल पारवे गोल्डन डक के शिकार हुए थे आज के दिन के पहले शिकार थे। उनका अगर बल्ला चलता तो निश्चित रूप से मदलियावर कुछ ना कुछ कर पाती, लेकिन उसके बाद निखिल पारवे आउट हुए, प्रीतम आउट हुए, प्रशांत कदम आउट हुए, उसके बाद पूरी बल्लेबाजी चितर बितर हो गई और ये मुकाबला यंगस्टार कुजगांव ने जीता। कुजगांव के बल्लेबाजों ने अच्छे कैच किए बॉर्डर लाइन पर, लेकिन अल हरीश और ने कैच छोड़ा, एक आसान सा कैच छोड़ा था। तो जल्दी जल्दी फील्डिंग सजा लीजिए सिंधी कोड, अंपायर को गुजारिश करूंगा कि जल्दी जल्दी फील्डिंग सजा ली क्योंकि आधा घंटा आप लेट चल रहे। कार भैरव अकले बनाम सिंधे कोल के बीच मुकाबला अकले टीम ने टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, दावत दिया आमंत्रित किया यहाँ बाहरी टीम को बल्लेबाजी के लिए। आमचा गावचे ग्रामस्थ श्री राजेश दारा जाधव यांचं इथं आगमन झालं, त्यांचं दृष्टी त्यांचं स्वागत करणार होतो। मी आम्ही विनंती करतोय त्यांचं स्वागत करायचं झांजे ऍब्सोल्यूट सोल्युशन ऍडव्होकेट नेहा मेरे झांजे इनके द्वारा नेवर गिवन अप ट्रॉफी हर टीम को दी जाएगी। अच्छा आयोजन और नियोजन किया जा रहा है ओम साई क्रिकेट क्लब बारसगा द्वारा। इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट 192 देशों में दिखाया जा रहा है tenniscricket.in के माध्यम से। आप यूट्यूब पर जाकर ओम साई क्रिकेट क्लब बारसगा 2023 फाइनल डे डालेंगे तो ये मुकाबला आप लाइव टेलीकास्ट घर बैठे देख सकते हैं। तो चलो मैदान की तरफ, मुकाबला शुरू होने जा रहा है। सिंधे कोल बनाम भावे, दोनों टीम के 12 खिलाड़ी आ भेजे सिंधे कोल। उमेश बॉलर उमेश है, स्ट्राइक इन पर है उनका, स्ट्राइक इन पर है महेश। ये सलामी जोड़ी है भावे टीम की काल भरो भावे। मुकाबला शुरू होने जा रहा है। गेंदबाजी की बड़ी मैं पर तैयार है, कोटे का पहला टीम का पहला लेकर उमेश गेंदबाजी करेंगे। काफी लंबा रनअप है उमेश का, राइट हम ओवर दो विकेट गेंदबाजी करेंगे। उमेश मुकाबला शुरू होने जा रहा है, सामने अच्छे अच्छे दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करते, राइट हम ओवर दो विकेट। हल्की सी गेंद ऑफ स्टंप पर थी, हल्के हाथों से खेला था, स्ट्राइक कवर की दिशा में निकलती गेंद शॉट, स्ट्राइक कवर पर फील्डर आए, डीप स्ट्राइक कवर पर गेंद गई, फील्ड किया, दो रन लेने का मौका था, ओमकार ने अपना खाता खोला। साथ ही साथ अब काल भैरव अकले ने अपना रनों का खाता खोला है, अकाउंट खोल दिया है। सरकू पाटिल अवलिका माल क्रीडा नगरी पर मुकाबले खेले जा रहे हैं। एक अच्छा आयोजन नियोजन किया जा रहा है ओम साई क्रिकेट क्लब बारसगा द्वारा। फाइनल डे का दूसरा मुकाबला, पहला यंग स्टार कुजगांव ने मुकाबला जीता था। सामने चौचे उमेश, राइट हम और दो विकेट, शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया था, मिड ऑन की दिशा में निकलती गेंद, डीप मिड ऑन से फील्डर आई, गेंद को फील किया, थोड़ी मिस हुई थी लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा ओमकार को। एक रन पर के साथ भावी टीम पहुंची 3 रन,
बिना कोई नुकसान के साथ, जो कि पहला ओवर अभी भी प्रगति पर एक शांत क्रिकेट खेला जा रहा है। सरकू पाटिल का मार्केटा नगरी पर मुकाबले खेले जा रहे हैं। ओम साई क्रिकेट क्लब भारत गांव द्वारा आयोजित गांव टू गांव क्रिकेट टूर्नामेंट का आज का फाइनल डे, फाइनल डे का दूसरा मुकाबला। काल भैरव अकले बनाम शिंदे कोण के बीच, इसी के बीच सामने चौचे अपने ओवर की अगली गेंद। अच्छी गेंद थी, गुल्लन के आगे थोड़ी गेंद ने टपा किया था, थोड़ी नीचे रही थी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, बल्लेबाज गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। एक डॉट गेंद की समाप्ति, स्कोर में कोई परिवर्तन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 3 रन बिना कोई नुकसान के साथ। पहला ओवर प्रगति पर है, 18 गेंदों का मुकाबला यानी 3 ओवर का मुकाबला होगा। सिंधिकोण बनाम काल भैरव अकले के बीच, टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते उतरी काल भैरव अकले की टीम। ये शॉट थी, बैट को बढ़ाकर पूर्ण किया था, मिड विकेट के ऊपर से पहला छक्का इस पारी का। छोड़ के साथ टीम उसका खो बढ़ता हुआ 9 रन। ये गेंद थी, छक्का लगने के बाद दिशा भटके, लेग स्टंप पे थोड़ी बाहर निकली, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त रनों के साथ डबल फिगर भी जाता हुआ स्कोर 10 रन बिना कोई नुकसान के साथ। महेश सामना करेगा उमेश की अगली गेंद का। दोनों शुरू किया, अपर को पार करते हुए आइटम ओवर द विकेट। एक ही बैकफुट जाकर पूर्ण किया था, मिस टाइम शॉट है, देखना होगा गेंद के नीचे फील्डर है छोटा, लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरी। 2 रन मिले महेश को, 2 रन मिले अकले काल भैरव अकले टीम को। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन बिना कोई नुकसान के साथ। पहला ओवर प्रगति पर है, इस ओवर में एकमात्र छक्का आया था, एक आक्रामक शॉट आया था महेश के बल्ले से। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन करते हुए नाम अनसेट की फील्डिंग देखेंगे तो डीप स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट, डीप मिड ऑन, डीप लॉग ऑन, 4 खिलाड़ी अनसेट पर, 5 खिलाड़ी है ऑफसेट पर। ये गेंद थी, उठा दिया था मिड विकेट के ऊपर से, गेंद अच्छी फील्डिंग, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, सराहना करनी होगी, बढ़िया फील्डिंग है, कैच किया था अपने आप को, बैलेंस को बचाने के लिए गेंद को अंदर फेंका, लेकिन अच्छी फील्डिंग, सर तालियां बजनी चाहिए फील्डिंग के लिए, बढ़िया एफर्ट अर्जुन द्वारा। कैच किया था, जज किया था, अच्छा कैच किया था, देखा कि अपना बैलेंस बाहर जा रहा है, सीमा रेखा बाहर जा रहा है, तो स्कोर है जो कि 14 रन। है बिना कोई नुकसान के साथ। अर्जुन गेंदबाजी करेंगे, कोटे का पहला टीम का दूसरा और छोटे बच्चे हैं अरुण। लेफ्टम ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, गुल्लर की थोड़ी आगे गेंद टपा किया था, बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, लेकिन गेंद टपा खाने के बाद थोड़ी ऑफ्टम की थोड़ी बाहर निकली, एक कदम आगे निकल था, लेकिन गेंद की गहरे तक नहीं पहुंची थी बल्लेबाज महेश। ओंकार गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। नामे ने अपना काम अच्छा किया, पैकेज ग्रुप बिरवाड़ी के सीनियर खिलाड़ी है अरुण। अपने ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद थी, बढ़िया शॉट था, लेकिन देखना होगा डिक्लेयर जोन में गई या डिक्लेयर जोन में अंपायर का इशारा। 2 रनों का, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन है बिना कोई नुकसान के साथ। दूसरा ओवर प्रगति पर है, थोड़ी भटकी हुई लाइन थी, लेग स्टंप पर गेंद को टप्पा किया था, लाइन रखी थी, उसका फायदा उठाया, कलाई के सारे गेंद को मोड़ दिया था डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, डिक्लेयर जोन में गई थी गेंद 2 रन के लिए। ओंकार के बल्ले से निकलते 2 रन थे,
काल भैरव भावी टीम का स्कोर बोर्ड 16 रन है बिना कोई नुकसान के साथ। अकली टीम ये नो बॉल का इशारा है, शायद थ्रोइंग नो बॉल। रिव्यू सिस्टम नहीं है, मैच के लिए अंपायरिंग का इंतजाम जरिए अकरम कुड़ुपकर और कल्पेश जाधव। रिव्यू सिस्टम नहीं रखा है नैना, ठीक है आपका, थोड़े आप नाराज हो गए डिसीजन से, लेकिन रिव्यू सिस्टम नहीं है, नो बॉल है तो फ्री हिट दी जाएगी। मेंबर सलाहकार है, एडवाइजर है, निश्चित रूप से अच्छा एडवाइजर देंगे और भिवाड़ी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ओम साई क्रिकेट क्लब भारद्वाज द्वारा सचिन चौहान को मैं गुजारिश करता हूँ कि उनका स्वागत करे। नो बॉल है, फ्री हिट है तो निश्चित रूप से एक रन की बढ़ोतरी 17 रन लेफ्ट ओवर दो विकेट। ये शॉर्ट गेंद पे पुल किया था, मिड विकेट मिडल के बीच बीच गेंद, उमेश आई गेंद के नीचे गेंद को फील्ड किया, सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ेगा उमकार को। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बिना कोई नुकसान के साथ, जो कि दूसरा ओवर प्रगति पर है, 3 ओवर का मुकाबला है। अरुण छोटे कद के गेंदबाज है, कम उम्र के गेंदबाज है, नौजवान खिलाड़ी है, छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका, इसी प्रकार का गेंदबाज अरुण। राइट आर्म ओवर द लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी है, लेग कटर के रूप में गेंदबाजी करते हैं, मिडल और लेग स्टंप पर टप्पा खाने के दोस्तों को थोड़ी बाहर निकलते, गति का इस्तेमाल करते, गति का वेरिएशन रख रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, तो निश्चित रूप से ये अगर वेरिएशन रखेंगे। अरुण लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद थी बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, सचिन नामा के हाथों में निकलती गेंद, कोई नहीं दौड़ लगातार डॉट गेंदी जा रही है। इस ओवर में रन अभी तक आए, एक नोबॉल छोड़ के 3-4 रन आए नोबॉल पकड़ के, अच्छी गेंदबाजी हो रही है अरुण द्वारा। शिंदी गुण बनाम काल भरो अखले के बीच मुकाबला, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये बढ़िया शॉट, हल्के से ओवर पे गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, हाफ वाली बनाकर जय गेंद को खेल दिया था मिड विकेट के। पहले ओवर में रन आए थे 16-14 रन आए थे, इस ओवर में 10 रन आए, एक छक्का और दो दूरी है, एक नो बॉल का रन है, एक सिंगल है, कुल मिलाकर 10 रन इस ओवर में आए। अच्छी गेंदबाजी अरुण द्वारा, छोटे कद के गेंदबाज है, कम उम्र के गेंदबाज, नौजवान खिलाड़ी है,
उभरता हुआ तारा है सिंधी कोण के लिए, सिंधी कोण के लिए गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। गेंदबाज है सनी, आज शायद मेरे को जीतू शिंदे भी नहीं दिख रहे। सनी राइट हैंड बाउंड विकेट, फुल टॉस से उठा दिया था, खत्म होकर इस्तेमाल किया था, हाफ वाली बनाकर लॉन्ग बॉल के ऊपर से गेंद सी मारे का बार। तीसरा बिना कोई नुकसान के साथ, जो कि कोई भी विकेट का पतन नहीं हुआ है। ओपनिंग साझेदारी 30 रनों की होती हुई आक्रामक शुरुआत हो चुकी है। आखिरी ओवर प्रगति पर 5 गेंदें बची हुई, आखिरी ओवर की सनी गेंदबाजी करेंगे। गेंद सनी की पहली गेंद पर छक्का लगाकर एक साइकिल जो दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है महेश द्वारा, सनी के ऊपर ओमकार द्वारा, ओमकार के बल्ले से निकलता हुआ छक्का था, दो छक्के एक छक्का ओमकार के बल्ले से। ये शॉट पिच गेंद थी, फील्ड किया था, गेंद को खेल दिया लॉन्ग बॉल के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्या था इसी महाराणा प्रताप धन्यवाद। अरे विलास सूर्य शिंदे बनाम जय हनुमान ताकि कौन के बीच ये मुकाबला होगा। दोनों टीम के कप्तान को गुजारिश है कि अपनी टीम पर रखे, 4 गेंदों के बाद आपका टॉस किया जाएगा। आजाद वरन टीम का भी यहाँ आगमन हो चुका है, क्योंकि बड़ा मुकाबला आज के दिन का, ये पहले ग्रुप का बड़ा मुकाबला, बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा। देवगढ़ बनाम आजाद वरन, जो भी टीम जीतेगी दावेदारी पेश करेगी सेमीफाइनल के लिए। राइट हैंड राउंड विकेट, फुल टॉस से अंदर राइज खेल दिया था, मैदान के दिशा में निकल दी गेंद, फील्डर आए मिस फील्ड की, लेकिन सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पहुंचा, संकेत ने अपना खाता खोला, स्कोर पहुंचा 31 रन एक विकेट के नुकसान पर। पहले विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी ओंकार और महेश के बीच, लेकिन अभी महेश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में आए थे, निगाहें उनकी गेंद के ऊपर बैठी हुई है, तो निश्चित रूप से बड़े स्ट्रोक की उम्मीद करेंगे काल भरो आखला की टीम। राइट हैंड राउंड विकेट, फुल टॉस से उठा दिया था, मिड विकेट के ऊपर से गेंद सी मारे का पार। के साथ ये सिपाही का चौथा छक्का है, महेश के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का, ओंकार ने एक छक्का लगाया था, 37 रन एक विकेट के नुकसान पर। सनी सामने अच्छे अच्छे आइटम राउंड विकेट, फिर छठ पिच गेंदी, टाइमिंग अच्छा नहीं हुआ था, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, अच्छी फील्डिंग अरुण द्वारा, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन खराब थ्रो खराब फील्डिंग में कहूंगा। अरुण अगर थ्रो विकेट कीपर के पास करते तो उनको क्या करना चाहिए, किस विकेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कौन सा बल्लेबाज को आउट करना है, ये प्लानिंग होनी चाहिए मैदान के अंदर। 2 रन मिले, 39 रन एक विकेट के नुकसान पर। सनी जीतू शिंदे का आवाज नहीं आ रहा है मैदान के अंदर, 2 टीम है शायद बता दिए जा रहे हैं। विराट सूर्य द्वारा गेंद आउट में है, गेंद के नीचे फील्डर है, नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी, 5 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरी, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन, लेकिन देखना होगा यहाँ तीसरा रन भी पूरा आराम से किया, 14 रन लेने की कोशिश, 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, एक विकेट के नुकसान पर 43 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ शिंदे कोण के सामने।
विजय सिंधी को आधा घंटे देरी से अब चल रहे मैदान के अंदर सिंधी को अपने बल्लेबाज भेजे। टीम सामने वाली टीम मैदान में पहुंच चुकी है, अंपायर पहुंच चुके हैं, तो अपने सलामी जोड़ी मैदान में जानी चाहिए। समी और दूसरे बल्लेबाज को उन्हें देखना होगा। सिंधे को अपना 12 खिलाड़ी भेजिए अभी इधर, 10 है ना, तो एक भेजिए अभी, क्या 9 आउट हुए ना। उमेश समी और उमेश सलामी जोड़ी मैदान में जाते हुए 43 रन बनाने होंगे। इसके बाद का मुकाबला दुजानी अवार्ड और जय हनुमान टाकीकोंड टॉस के लिए आइए। जय हनुमान टाकीकोंड और महाराणा प्रताप दुजानी अवार्ड टॉस के लिए आइए। टॉस कौन करेगा शिवाजी? साधुराम मालुश्रे साउंके, साधुराम जी साउंके मिनीडोर संगठन के एक मेंबर है, वरिष्ठ अधिकारी है, उनके हाथों से टॉस किया जाएगा। बारजगा ग्रुप ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक सरपंच सम्मानीय सोनल जी वटेकर साहब, इनका आगमन हो चुका है। पूरे ड्रेस कोड के साथ आए शायद मैदान में उतरेंगे। राजनीति में भी खेलते हैं, क्रिकेट में के मैदान में भी खेलते हैं, क्रिकेट के बाहर मैदान के बाहर भी खेलते हो सोनल जी वटेकर। साथ ही साथ तेजस मामूनकर, इनका भी यहाँ आगमन हो चुका है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। क्रिकेट क्लब बारसगांव द्वारा कल्पेश अपनी ओर की अगली गेंद, शॉट पहली गेंद, शॉट सरी ने गेंद को दिशा दी, लॉन्ग लेग की दिशा में डिक्लेयर सर में जाएगी गेंद। एक रन के साथ अपना खाता खोला सरी ने। 43 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। 18 गेंद 43 रन, 42 रन बन चुके थे अखिली टीम का। जय हनुमान दुधानी अवार्ड, महाराणा प्रताप दुधानी अवार्ड, हनुमान जय हनुमान टाकीकोंड टॉस के लिए आइए। कल्पेश ज्यादा वक्त मिले न लीजिए, तेजस मामूनकर का यहाँ स्वागत किया जाएगा। ये गेंद थी वक्फ जाकर पूर्ण किया था, गेंद को उठा दिया था, लॉन्गल के दिशा में निकलती गेंद, शॉट वाइड स्पीड ऑन पर गेंद को छोड़ दिया, क्या छोड़ा, जमीन को दान किया, जीवन दान दिया यहाँ सनी को, जीवनदान सनी को, सनी को दिया, लेकिन ये अपने आप को खतरे में डाल दिया यहाँ अगली टीम ने। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन बिना कोई नुकसान के साथ 43 रनों का लक्ष्य उनके सामने। साधुराम साहू के इनके हाथों से टॉस किया जाएगा। जय हनुमान टाकीकोंड बनाम महाराणा प्रताप दुधानी अवार्ड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। रोहिल बनाम विलास सुरवे ऐसा मुकाबला होगा। बढ़िया शॉट मैदान के ऊपर से गेंद सी मारी का बार षटकार। रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। दुधानी अवार्ड ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इसी के बीच कल्पेश फिर से शॉट पेश गेंद, बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सी मारे का पार, बैक टू बैक दूसरा छक्का। समी के बल्ले से आता हुआ 6 रनों के साथ डबल फिगर में जाता हुआ स्कोर 15 रन। जीत का लक्ष्य है 43 रनों का, तो पहला ओवर प्रगति पर है, स्कोर पर 15 रन है। इसी के बीच बढ़िया शॉट ऑफ ड्राइव किया था, लॉन्ग ऑफ की दिशा में निकलती गेंद डीप लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील किया, सिंगल मिला सनी को, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हुआ। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बिना कोई नुकसान के साथ।
अभी भी 27 रन दूर। पहला ओवर प्रगति पर है, गेंदे हो चुकी है 5, यानी 13 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता। बढ़िया शॉट, मिस टाइम शॉट है, बैक टू द बॉलर, कैच करने की कोशिश, लेकिन गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन। एक रन दिया जाएगा महेश को, उमेश को, एक रनों के साथ सिंधी कोर्ट पहुंची 17 बिना कोई नुकसान के साथ। तो 12 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। उमेश शाह और सनी, ये सलामी जोड़ी मैदान में सिंधी कोर्ट द्वारा। फलभ बल्लेबाजी करते हुए सरकू पाटिल, अवनी कमाल खेड़ा डगरी पर यह खूबसूरत मुकाबला खेला जा रहा है। काल भैरव अकले बनाम सिंधी कोर्ट के बीच मुकाबला। 12 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी में देखना होगा कौन परिवर्तन करते, कौन आता है गेंदबाजी की। बागडोर अपने कंधे के ऊपर जिम्मेदारी लेंगे अकले की। सागर गेंदबाजी करेंगे। 12 गेंदे 26 रन, अगर ये ओवर काफी टाइट जाएगा, नया लाइन टाउन लाइन से गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर में 7-8 रन आएंगे तो निश्चित रूप से दबाव बढ़ता जाएगा सिंधी कोर्ट के बल्लेबाजी के ऊपर। आखिरी ओवर में प्रेशर आएगा, प्रति ओवर 13 रन यहां से बनाने होंगे मुकाबला जीतने के लिए। राइट हैंड ओवर द विकेट, सागर फुल टॉस थी, मिस टाइम शॉट है, वन बाउंस गेंद, अच्छी फील्डिंग डीप मिड विकेट क्षेत्र पर, लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा यहां सनी को। एक रन के साथ सिंधी कोर्ट पहुंची 18 रन बिना कोई नुकसान के साथ। जीत के लिए 11 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता। एक शानदार आयोजन और नियोजन। राइट हैंड ओवर द विकेट, पीछे शॉट, गेंद बैक फील्ड जाकर फील्ड किया था, पावरफुल स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सी मारे। रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन बिना कोई नुकसान के साथ। जीत के लिए अभी 19 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदे 19 रन, ये मुकाबला जीतने के लिए चाहिए सिंधी कोर्ट को। इसके बाद का मुकाबला होगा महाराणा प्रताप भुजानी अवार्ड बनाम जय हनुमान टाकी कोर्ट के बीच होगा। महाराणा प्रताप भुजानी अवार्ड ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया। दावत दी, आमंत्रित किया, अच्छी फील्डिंग वैदेश मैदान पर, लेकिन एक रन चौराहे में बचाने में नाकाम रहे थे फील्डर। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन बिना कोई नुकसान के साथ। 9 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता। लगभग 200 के ट्राई है, से हर गेंद पर रन बनाने होंगे सिंधी कोर्ट को मुकाबला जीतने के लिए। सागर सनी के लिए, ये मिस टाइम शॉट है, गेंद हवे में है, गेंद के नीचे फील्डर है, अगर ये कैच होता है ड्रॉप है। जमीन को दान किया है, जीवन दान दिया है सनी को, दूसरा जीवन दान है सनी को इस मैच पारी में। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन बिना कोई नुकसान के साथ। सोलह रनों की आवश्यकता, 8 गेंदे 16 रन। सनी अपनी निजी पारी 18 रन पर खेले, अच्छी पारी खेले, अपनी टीम को स्कोर को समझते हुए, टारगेट को सामने रखते हुए अच्छी पारी खेले अपनी टीम के लिए। 18 रनों में 2 छक्के, ये बढ़िया शॉट, अंदर आइस खेला था, मिड विकेट की दिशा में निकलती गेंद, डीप मिड विकेट गेंद को फील किया। सिंगल पर संतुष्ट रहना पड़ेगा सनी को। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ सिंधी कोर्ट का 28 रन बिना कोई नुकसान के साथ। जीत के लिए 7 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। देवगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच बाबू दादा मामूनकर इनका अकबर हो चुका है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ओम साई क्रिकेट क्लब भारतगढ़ द्वारा मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर आए, अपना सम्मान स्वीकार करें। राइट हम ओवर द विकेट, और बढ़िया गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद, एक रन दिया जाएगा, स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। साथ ही साथ ओवर की समाप्ति, दूसरे ओवर की समाप्ति का स्कोर है 29 रन बिना कोई नुकसान के साथ। आने वाले 6 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। तो सागर ने इस ओवर में 12 रन दिए,
एक रन बचा दिया अपना टारगेट का। देवर ग्राम पंचायत के सरपंच है बाबूदादा महमुनकर, इनका यहाँ आगमन हो चुका है, उनका स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा ओम साई क्रिकेट क्लब बालसगढ़ द्वारा। सोनल होतेकर सरपंच टू सरपंच लगा दिया है जोड़। गेंदबाजी में तीसरा परिवर्तन, सुधीर गेंदबाजी करेंगे। धोवर ग्राम पंचायत के सरपंच बाबूदादा महमूदगढ़ इनका स्वागत किया जा रहा है। बारसगांव के सरपंच सन्माननीय सोनल जी होतेकर इनके हाथों से वो टीम के साथ रहेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। बड़ा मुकाबला है ग्रुप का आजाद वरम बनाम धोवर के बीच। छह गेंदे 14 रनों की आवश्यकता, सनी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, भरोसा है सिंदेकुंड के कप्तान को। बारसगांव ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्य सन्माननीय मिशेच राव का ये गेंद कुफी का उनका स्वागत किया जाएगा। अशोक यादव इनका सम्मान किया जा रहा है, गोपी चंद मोरे इनके हाथों से, बारसगांव ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्य है, उनके मिस्टर है, पति है, उनका सम्मान किया जा रहा है ओम साई क्रिकेट क्लब बारसगांव द्वारा। मैच की गेंद बीच में आ चुकी है मैदान के अंदर। नौ रनों की आवश्यकता, 5 गेंदे 9 रन। आठ रन चाहिए। ये फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को उठा दिया, तांपर का इशारा देखना होगा, डिक्लेयर जोन में है या 6 रन के, 6 रन के लिए बैक टू बैक दूसरा। रनों की आवश्यकता, 4 गेंदे 2 रन, 6 गेंदे 14 था, कहां था स्कोर, लेकिन बैक टू बैक दूसरा छक्का लगाने के बाद मैच का पूरा रुख ही बदल दिया था सनी ने, और मैच का पकड़ा भारी हो चुका है इस मैच के अंदर सिंदेकुंड का अकाल भरो अखले की टीम के ऊपर। 2 बड़े शॉट मैच का रुख बदल दिया, मैच का पकड़ा भारी हो चुका है सिंदेकुंड का। आज के दिन का बड़ा मुकाबला आना बाकी, आजाद वरन बनाम जय मनाई धोबर के बीच मुकाबला होगा। ये गेंदी डिक्लेयर जोन में जाएगी, बराबरी हो चुका है स्कोर, 3 गेंदे 1 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए, तो जीत निश्चित रूप से जीत की कगार पर खड़ी है यह सिंदेकुंड की टीम। सागर सुधीर अच्छी गेंद थी, बल्ले का हल्के हाथों से खेला, और इसी के साथ सिंदेकुंड की शानदार जीत, 10 विकेटों से मुकाबला जीता है सिंदेकुंड ने, जीती हुई टीम।